जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का एनअकेडमी में दिस इज मानविंद प्रताप सिंह और बच गए हैं सुबह के 6:30 और लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए आपका सबसे पहले और सबसे बेस्ट द हिंदू न्यूज एनालिसिस इस सेशन के अंदर हम द हिंदू न्यूज पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो कवर करते हैं एक्सेप्ट द एडिटोरियल एडिटोरियल कवर ना करने का कारण है ऑलरेडी देर आर फोर फाइव सेशन रनिंग ऑन दिस चैनल और एन अकेडमी के प्लेटफॉर्म्स पे तो आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं न्यूज जो है वो बच्चे इतना ध्यान नहीं देते हैं तो मेरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव वो रहता है कि न्यूज को एंड प्रींस के परसपेक्टिव से कनेक्ट करके आपको पढ़ाया जाए बाकी मैंने टारगेट दिया ही है जब हमारे के व्यूज डेली होने लग जाएंगे देन आई विल कंबाइन एडिटोरियल एज वेल एज चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार थम्सअप करके मुझे बता दो कि मेरी वॉइस जो है वो आप लोगों तक पहुंच रही है कोई इश्यू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन तो आई थिंक हमारी जो वॉइस है वो क्लियर है आप तक मेरी आवाज जो है वो पहुंच रही है और इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है ठीक है तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की देखिए बहुत ही शानदार मोटिवेशन थॉट यहाँ पे लिखा हुआ है ओके इसमें चेंज नहीं हुआ यार ये एक सेकंड ओके 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 यार पीडीएफ जो है ना लग रहा है कल वाली लगा ली है मैंने हम्म अब देखना पड़ेगा कहां गड़बड़ हुआ है ओके जस्ट अ सेकेंड गाइज यार ओके hmm. पीडीएफ okay. अभी हमने ली नहीं है जस्ट अ सेकेंड यार मैं पीडीएफ को इसमें लेके आपसे तुरंत वापस आता हूं दो मिनट दीजिए मुझे आप लोग है ना जस्ट टू सेकेंड बातें बातें कर लो भाई है ना उस वही सब करते भी हो मजा आता है आप लोगों को कर लो कर लो भाई कर लो Thank you. भैया आज के लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार दो चार मिनट आप लोगों के वेस्ट कर दिए मैंने है ना बट कोई बात नहीं बस हो गया माइक का तो एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का में चलिए शुरुआत करते हैं हैं हमारे आज के सेशन की बढ़ते हैं आगे देखिए सबसे पहले बहुत ही हर जगह सुनते हो हर जगह हर कोई बोलता है कि भैया कोई शॉर्टकट नहीं है वर्क का कोई मेहनत का शॉर्टकट नहीं है एंड आप लोग मेहनत करो तभी आगे बढ़ पाओगे सबको पता है बट तब भी हम लोग करते क्यों नहीं है बताओ आप लोगों को पता है ना आपने कितनी बार इंटरव्यू सुने होंगे आपने टॉपर्स की बातें सुनी होंगी तो आपने हर किसी से एक ही चीज सुनी होगी कि भैया हार्ड वर्क करो सुना है ना पर हम लोग हार्ड वर्क कर क्यों नहीं पाते हैं? बताओ जल्दी हम लोग हार्ड वर्क इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो भैया अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं आओगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी आज आपको टीवी देखने में नेटफ्लिक्स देखने में अमेजॉन देखने में खेलने में कूदने में गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है दोस्तों के साथ तफरी करने में मजा आ रहा है या जो भी आपके शौक है मूवी देखने में उसमें मजा आ रहा है तो ये सब क्या है आपके ये सब कंफर्ट जोन है आपको इससे बाहर निकलना है मेहनत करनी है हार्ड वर्क करना है और किसी शॉर्टकट के थ्रू आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे आप आई नहीं बन सकते हो आप आई नहीं बन सकते हो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी लंबे रन पे चलना होगा और कंसिस्टेंट होकर मेहनत करनी होगी क्लियर हुई बात समझ में आया थैंक यू सो मच चलिए मेरी वॉइस एंड एवरी थिंग इज क्लियर है आई थिंक तो अब इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के डाउट्स बीच बीच में लेता रहूंगा मैं ठीक है तो देखिए कल का जो लेट्स डे ड्रीम का क्वेश्चन था और कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका सबसे अच्छा जवाब दिया है आयुष ने और साथ ही साथ प्रमोद ने प्रमोद ने।, ने भी काफी अच्छा लिखा है जिन्होंने फार्म बिल के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया ही है बट इन्होंने आप इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था आप लोग चाहें तो हिंदी में भी जवाब दे सकते हैं जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सिर्फ आपकी एनालिटिकल अप्रोच देखने की बात है इंग्लिश हिंदी से मुझे कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना ही यूपीएससी के इंटरव्यूअर्स को होगा एक दिमाग में बच्चों के थॉट रहता है तो मैं बता दूं कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पेपर दिया है स्टिल आप लोग यूपीएससी का इंटरव्यू जो है वो हिंदी मीडियम से दे सकते हैं ठीक है कोई इशू नहीं होता है बढ़ते हैं आगे आज का एक क्वेश्चन ले लो आज का डे ड्रीम का क्वेश्चन है कि भैया तुम लोग एक एक्स नाम के स्टेट के क्या बन गए हो सॉरी एक्स नाम के डिस्ट्रिक्ट के क्या बन गए हो डीएम क्या बन गए हो गाइस डीएम ठीक है आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक समस्या आई है समस्या ये आई है कि रीजनल कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही है आपके यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसके वजह से थोड़ा सा क्लैशेज हो रहे हैं और रूलिंग पार्टी का प्रेशर है आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं जिसके चलते हुए ठीक है अब आपके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन यह है कि आप जो हो रहा है उसको वैसे होते रहने दें और दूसरा ऑप्शन यह है कि आप जो है उस सिचुएशन पे कुछ एक्शन लें आप इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करने वाले हैं क्योंकि अगर आपने ज्यादा कुछ टैकल करने की कोशिश करी तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है आप सस्पेंड भी हो सकते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है तो बताइएगा देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं एंड लेट सी ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगर अभी तक आपने गाइस गाइजेडमी का लर्निंग एप डाउनलोड नहीं किया है तो वेट किस बात का इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं जाइए आज ही इसको डाउनलोड करिए यूपीएससी के जो बेस्ट टीचर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं आप जब भी चाहें तब इन सबके कोर्सेज को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं आफ्टर टेकिंग एन सब्सक्रिप्शन हफ्ते दो हफ्ते में डेली कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको ऑप्शनल आपको जीएस टेस्ट सीरीज सब कुछ आपका एक ही सब्सक्रिप्शन से हो जाएगा आपको अलग अलग कहीं जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है और वैसे भी कॉस्ट की बात करूं तो आप दो ढाई लाख रुपए में सारी चीज आपको बाहर मिलेगी वो आपको अनएकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मात्र एक साल के लिए फोर्टी फोर के की है और दो साल के लिए आपकी सिक्सटी फोर थाउजेंड के लिए है बट क्या यहीं पे चीजें रुक जाती हैं तो जवाब है नहीं यहां पे आपने कोड यूज करना है मेरा MPS और आपको मिलेगा 10 का डिस्काउंट साथ साथ ही आप लोगों को मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी इसका मतलब यह है कि आप कोर्सेस सारे देख सकते हैं अकेडमी पे बट आपको स्पेशली मेरे से गाइडेंस भी मिलती रहेगी समय समय पे। बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की कुछ दोस्तों का था कि भैया हमें तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए हम डेली आंसर लिखें तो हमारे आंसर्स कोई चेक करे तो अन अकेडमी ने आपकी पुकार सुनी और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है जिसमें एक साल का कोर्स जो है वो कोड मेरा यूज करने के बाद फिफ्टी के का पड़ेगा टू ईयर्स का कोर्स एटी के का पड़ेगा इसमें आप टीचर से पर्सनल कोचिंग ले सकते हो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की आज बहुत कुछ सीखने लायक है और बहुत मजा आने वाला है इकोनॉमिक्स के आज ऐसे ऐसे पहलू हम समझेंगे कि आपको मजा आएगा लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन जो है वो इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर करनी होगी ये देखिए आज का हमारा जो फ्रंट पेज है कुछ इस प्रकार से है सबसे पहले आर ने फॉरकास्ट करी है कि जो कॉन्ट्रेक्शन है क्वार्टर फोर तक कितना रहेगा रेपो रेट के बारे में बताया है कि क्या बढ़ी है या घटी है कल भी आपको बताया था मैंने कि वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ अपने कह सकते हो आपकी प्रिडिक्ट किया था कि भारत का कितना कौंट्रेक्ट, कितना कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जी के बारे ठीक है, है डिटेल डिस्क, से ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इसको भी देखा जाएगा बाकी और कोई खास चीज यहाँ पे फ्रंट पेज में नहीं है चलिए फिर शुरुआत करते हैं बढ़ते हैं आगे सबसे पहला आर्टिकल जो है वो आपका इस सिलेबस के इस टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हो फॉरकास्ट एंड टू कंट्रेक्शन बाय क्वार्टर फोर ठीक है एक बार करके बस ये सब बताते रहना कि मेरी वॉइस वॉइस फसा है तो मुझे पता पड़ जाए कि हाँ भैया कोई दिक्कत चल रही है ठीक है चलिए तो बात करते हैं क्या है ये मामला देखो RBI ने अभी कुछ डिसीजंस लिए हैं वो आपके सामने है मैं एक एक बोलूंगा फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा सबसे पहले इन्होंने बोला है रेपो रेट जो है वो अनचेंज है जितनी पहले थी उतनी हम रख रहे हैं फोर परसेंट ठीक है अब बहुत सारे दोस्त मेरे कहेंगे कि सर भैया ये रेपो रेट क्या होती है अभी समझाऊंगा इसीलिए कह रहा हूं 100 परसेंट फोकस आपका बोर्ड की तरफ होना चाहिए दूसरा यहां पे इन्होंने बोला है क्या आर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 24 फोर बटे सेवन अवेलेबल होगा दिसंबर 2020 से कुछ समझ में नहीं आ रहा हो छोड़ दो बस सुनो अभी बात को ठीक है और इन्होंने बोला है कि जीडीपी जो है वो नाइन के आसपास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कल वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ ऐसा ही बताया था ठीक है तो ये बेसिक चीज अभी सामने आई है अब मैंने आपको देखो एक दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया था आरबीआई की जो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेपो रेट एंड अदर रेट्स जो है वो डिसाइड करती है इसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं तीन नुमाइंदे सरकार के होते हैं तीन नुमाइंदे आरबीआई के होते हैं है, है ना तो ये हमने किसी और दिन डिस्कस कर लिया और उसके बारे में यहां पे चर्चा भी नहीं हुई है तो मैं इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं बट अगर फ्यूचर में कभी आर्टिकल आता है म्यूनिट्री पॉलिसी कमिटी से तो मैं उसको डिस्कस करूंगा अभी हम यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो सीखने वाले हैं पहला की रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ठीक है ये आर सिस्टम क्या होता है ठीक है आपने एक एनई का सुना होगा एनई क्या होता है तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं यूपीएससी के प्रिलिम्स में इनपे क्वेश्चन लास्ट ईयर लास्ट से ये, लास्ट ईयर आए हुए हैं इस साल तो भैया चलो अलग ही पेपर था बट इसपे क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे आपको सुनना होगा आपको समझना होगा चलिए फिर शुरुआत करते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम यहाँ पे समझेंगे नेफ्ट के बारे में किसके बारे में एनई के बारे में किसके बारे में एनई NFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर क्या होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर ठीक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ नेशन वाइड सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये भैया आरबीआई के द्वारा ओन किया जाता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये यूपीएससी फुल फॉर्म नहीं पूछेगी वैसे जो अगर आप स्टेट पीएससी देते हो आपके लोकल तो वहां पे आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन करना है ठीक है तो सबसे पहले देखो, क्या होता है, इसको मैं समझाने आपको कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनना ये क्या है आरबीआई है क्या है ये आरबीआई ये दो बैंक है एक है एच बैंक एक है एस बैंक ठीक है मान लो एच बैंक के एक बंदे ने एस बैंक के एक बंदे को यहां पे एक बंदा है इसका नाम है ए यहां पे एक बंदा है इसका नाम है बी ठीक है मान लो ए ने बी को पचास हजार रुपए भेजे कितने भेजे गाइस पचास हजार किसने किसको भेजे ए ने बी को भेजे बी अब यहां पे देखो सी ए करके एक बंदा है और यहां पे डी करके एक बंदा है, ठीक है यहां पे सी ने डी को फिफ्टी के भेजे ठीक है बात समझ में आई यहां पे सी ने डी को फिफ्टी के भेजे या मान लो फिफ्टी ने इसको अपन और ले लेते हैं मान लो वन लाख भेजे कितने भेजे एक लाख भेजे ठीक है अब सुनना एनईएफटी के अंदर क्या होता है ये आधे घंटे में फिक्स किए जाते हैं हाफ सेटलमेंट क्या है ये हाफ आवरली सेटलमेंट अब ध्यान से सुनना जब एच डी एफ सी बैंक के एक बंदे ने एसबीआई को पचास हजार रुपए भेजे एसबीआई बैंक के बंदे ने एच डी एफ सी बैंक के बंदे को एक लाख रुपए भेजे तो यहां पे क्या होता है ना कि ये पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं एन ई के अंदर ये पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं एन के -E अंदर आधे घंटे बाद देखो जैसे एस में किसी ने पैसा ट्रांसफर किया वो हो गया वो उन्होंने मान के इधर पैसा दे दिया ठीक है वो एक अलग इशू है लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कैसे टैकल होती है वो हम समझ रहे हैं यहां पे क्या होता है दोनों का देखा जाएगा आधे घंटे बाद कि किसको किसको ज्यादा रुपया देना है जैसे यहां पे पचास हजार आ गए यहां पे एक लाख गया तो ज्यादा किसने दिया एक लाख ने कितने का अंतर है पचास हजार का एक लाख में से पचास हजार हटाओ कितने बचे पचास हजार ठीक है क्लियर हुई बात नहीं हुई समझ में आया कि नहीं आया तो ये जो पचास हजार रुपए ज्यादा यहां पे दिए गए हैं एच बैंक को एस के द्वारा जब बाद में पहले कैलकुलेशन होगी जितने पैसे एक दिन में ट्रांसफर हुए उसकी कैलकुलेशन होगी आधे आधे घंटे में जितने पैसे आधे घंटे के अंदर ट्रांसफर होंगे उसकी कैलकुलेशन होगी जैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगी तो जिसका भी ज्यादा होगा जिसका डेफिशिट होगा वो दूसरे को दे देगा इसे क्या बोलते हैं एनईएफटी क्लियर हुई बात समझ में आया, आया। समझ में आया नहीं आया समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ ये बात क्लियर हुई एनईएफटी क्लियर हुई नहीं हुई जल्दी बताओ NEFT का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ ये तुरंत पैसा ट्रांसफर नहीं होता ये आधे आधे घंटे में सेटलमेंट होते हैं आधे आधे घंटे में में सारे बैंक आपस एनालिसिस करते हैं कि भैया किसका डेफिशिट ज्यादा है और जिसका डेफिशिट ज्यादा होता है वो कम वाले को पैसा दे देता है क्लियर हुआ चलिए वेल डन बहुत अच्छे ठीक है अब बात करते हैं आरटीजीएस के बारे में जिसको समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को बाद में जब खत्म हो जाए तो स्टार्टिंग से देखना आ जाएगा सिस्टम क्या है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ठीक है इट कैन बी एक्सप्लेन एज वेयर देर इज ए कॉन्टिन्यूस एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन ए ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस मतलब यहां पे क्या है ए बैंक से बी बैंक में पैसा गया तो तुरंत पैसा चला जाएगा आरबीआई जो है वो तुरंत पैसा ट्रांसफर करवा देगी बात समझ में आई यहां पे क्या होता है आरटीजीएस में तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है यहां पे ये आधे आधे घंटे का सेटलमेंट जो है वो नहीं होता है पहले क्या होता था एनईएफटी भी जो है ना वो 24 घंटे अवेलेबल नहीं था बट लास्ट ईयर से एनईएफटी को आप 24 घंटे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है चौबीस घंटे का मतलब क्या होता है आप रात के एक बजे भी एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन पहले ये चीज नहीं होती थी पहले एनई का भी टाइम होता था जो मुझे याद आ रहा है छह बजे तक शाम का था ठीक है तो एन और समझ लो पेमेंट के ना तीन तरीके हैं वैसे आज की डेट में एक है एन एक है आपका आरटीजीएस और तीसरा बताओ कौन सा है जल्दी बताओ आई जो आपकी यूपीआई नहीं है भीम यूपीआई फोन पे एंड अदर्स वो सब आपका आई पे चलते हैं ठीक है एक हो गया एन एक हो गया आर और तीसरा हो गया क्या आई ठीक है जो तीसरा है वो आपका यूपीआई भीम जितने भी फोन पे सिस्टम है ना सब आई पे चलते हैं अब एक पॉइंट में बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना एन को रेगुलेट करता है कौन RBI RTGS आर को रेगुलेट करता है कौन RBI लेकिन आई को जो रेगुलेट करता है उसे बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई बात समझ में आया आई को जो रेगुलेट करती है वो संस्थान है NPCI और एन ई एफ टी आर को जो रेगुलेट करती है वो कौन है RBI ये कभी जिंदगी में गलत मत करना इसको हमेशा याद रखना इस पे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा जाएगा ठीक है क्लियर है बात समझ में आया कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना वेल well डन अब ये देखो ये चार्ट लिखा इससे बचा हुआ जब किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आ जाएगा यहां पे देखो कंपैरिजन हुआ है किस किस के बीच में एनईएफटी के आरटीजीएस के अंडर में जो अवेबिलिटी है एनईएफटी की वो आज की डेट में ट्वेंटी फोर इंटू सेवन है ठीक है, है कि नहीं ठीक है आरटीजीएस की सेवन एम से सिक्स पीएम थी अभी भी है पर अभी हमने न्यूज क्या पढ़ी कि दिसंबर 2020 से इसको भी क्या कर देंगे 24 फोर इंटू ठीक है एनईएफटी के लिए मिनिमम अमाउंट क्या है एक रुपया आर के लिए मिनिमम अमाउंट क्या है टू लाख रुपीज या आपको याद होना चाहिए कोई लिमिट नहीं है कोई लिमिट नहीं है पेमेंट ऑप्शन दोनों है ठीक है ये सेटलमेंट कितने घंटे में होते हैं मैंने बताया आधे आधे घंटे के सेटलमेंट आधे आधे घंटे के गैप में बैंक आपस में सेटलमेंट कर लेता है जिसका जो डेफिशिट होता है वो सामने वाली पार्टी को पे कर देता है ये तुरंत होता है रियल टाइम है ठीक है इसे बैंक ऑफर करते हैं इसे भी बैंक ऑफर करते हैं क्या कुछ चार्जेस लगते हैं तो नहीं कोई चार्जेस नहीं लगते हैं यहां भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं क्लियर हुई बात समझ में आ गया आई डोंट थिंक आप लोग इसके बाद ये कभी भी ये कॉन्सेप्ट भूलोगे तो ये तो हमने अभी तीन चीज पढ़ी आर टी जी एस एन ई एफ टी और एक आई एम पी एस IMPS मतलब जितने भी यूपीआई वाले आपके हो गए हो हो गया, RTGS हो गया, RTGS, NFT को को कौन कौन रेगुलेट करती है? RBI. को कौन करती है? है? जल्दी बताओ आपका एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में लास्ट ईयर ठीक है 2019 पेपर प्रीलिम्स उठाओगे, तो एनपीसीआई पे क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछा गया था इसके बाद अब बात करते हैं रेपो रेट क्या होती है व्हाट इज रेपो रेट देखो ये इमेज देख रहे हो ठीक है। वैसे तो अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया होगा तो ये सब जिन्होंने तो मैं, मैं उनको नॉलेज जीरो नो तो एनीथिंग मेरा कॉन्सेप्ट समझाऊं देखो आप ना ये बस समझ लो इससे बोलते हैं जी बॉन्ड क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है बस आप ऐसे मान लो कि गारंटी होती है गवर्नमेंट का एक पेपर होगा

उसे क्या बोलते हैं गाइस रेपो रेट क्या बोलते हैं रेपो रेट अभी नहीं समझ में आया फिर समझाता हूं ध्यान से देखना ये बैंक है क्या है ये बैंक है इसका नाम क्या है एसबीआई ये आपका क्या है आरबीआई ये बैंक मतलब बच्चा है आरबीआई क्या है पापा है ठीक है बैंक का बच्चे को पैसे की जरूरत पड़ी बच्चे को पापा से पैसे की जरूरत पड़ी बच्चे ने पापा से बोला पापा मुझे प्लीज मुझे एक लैपटॉप खरीदना है मुझे आप पैसे दे दो पापा ने कहा भैया मैं तुझे क्यों दे दूं पैसा लैपटॉप खरीदने के पैसे क्यों दे दूं तो पैसे खराब कर रहा है तो गेम खेलेगा खेलेगा तो तो ये खेलेगा। बच्चे ने गारंटी दी कि नहीं पापा लैपटॉप आप मुझे दोगे तो मैं अपने कॉलेज में पढ़ूंगा इससे सी में टॉप करूंगा और अच्छी नौकरी लेके आऊंगा पापा को गारंटी मिल गई यहाँ पे बैंक आरबीआई को क्या गारंटी देता है यहाँ पे ये बच्चा अपने पापा को क्या गारंटी देता है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स कि भैया ये रख लो अगर हम कल को डिफॉल्ट कर जाए तो तुम्हारे पास एक कोलेट्रल तो हमारी तरफ से है फिर ये पापा क्या दे देते हैं पैसा ये पापा इन बैंकों को क्या दे देते हैं पैसा और ये जो पैसा देते हैं इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे ही क्या बोल देते हैं गाइस रेपो रेट या फिर रेपो रेट को ही आपका आप कह सकते हो कि वो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक को आरबीआई जिस रेट पे पैसा देती है आफ्टर टेकिंग द कोलेट्रल क्लियर हुई बात रेपो रेट को शॉर्ट टर्म लोन क्यों बोलते हैं मोस्टली देखो ये नौ दिन दस दिन चौदह दिन इस तरीके के से दिए जाते हैं कि इतने दिन के अंदर बैंक वापस कर दे इस पैसा को बात समझ में आ गई कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्लियर है ना क्लियर है ना जल्दी बताओ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट समझ में आया रेपो रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया थैंक यू सो मच केडी केडी ने लिखा है वेरी यूनिक वे यू एक्सप्लेन सर तो थैंक यू सो मच के डी चलिए आगे बताइए चलो ठीक है ठीक है अब बढ़ते हैं देखो रिवर्स रेपो रेट की तरफ क्या पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट इसको भी देख लेते हैं रिवर्स रेपो रेट को देखो इधर रिवर्स रेपो रेट में भी हमारे क्या है फादर है ये क्या है उनके सन है ठीक है सन भैया जॉब करने लगे सन ने कहा कि मेरे पास ज्यादा सैलरी आ रही है जैसे कि मैं हूं इसको आप मेरे पे ले लो मेरे पास जो पैसे आते हैं मैं अपने पापा को दे देता हूं क्योंकि मुझे पता है मेरे पास रहेंगे तो भाई खर्च करूंगा आज फोन लेने का मन हुआ है कल आईपैड लेने का मन करेगा परसों कार लेने का मन करेगा तो इससे बेटर है किसको दे दो पापा को तो यहाँ पे सन के पास खूब सारा पैसा था सन के कोई लोन लेने नहीं आ रहा था सन के पास सन के पैसे खर्च नहीं हो रहे थे तो सन ने सोचा कि क्यों ना इसको अपने पापा को क्या कर दिया जाए पार्क कर दिया जाए पापा के पास ले जाके क्या रख दिया जाए इस पैसे को सेव कर दिया जाए तो यहां पे सन ने पैसा किसको दिया फादर को दिया किसको दिया फादर को फादर ने पैसे को अपने पास रख लिया इसके बदले में फादर ने बच्चे को क्या दे दिया एक पेपर लिख के दे दिया कि भैया तुम्हारे इतने रुपए मेरे पास हैं ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं आरबीआई क्या देती है वो वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है जी बॉन्ड्स देती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था क्लियर हुई बात समझ में आ गया नहीं आया ठीक है इस पे जो सन को इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा रिवर्स रेपो रेट समझ में आई बात नहीं आई एक बार और समझते हैं ये जो बैंक है इन बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया ठीक है पैसा आ गया कि भैया मार्केट में लोगों के पास गरीबी चल रही है मार्केट में लोग पैसा लेने उधार आ नहीं रहे लोन लेने नहीं आ रहे हैं बैंक लोन दे नहीं पा रहा है तो इनके पास एक्सेस अमाउंट में पैसा बच रहा है तो अब ये कहेंगे कि यार अपने पास पैसा रखने के बाद तो वैल्यू उतनी रहेगी हमेशा जितना रुपया है उतनी रहेगी तो क्यों ना इसको आरबीआई को दे दो कुछ कुछ इंटरेस्ट रेट कमाते रहे तो इन्होंने क्या किया कुछ पैसा किसको दे दिया आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको गारंटी में क्या दे देगी वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी ठीक है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके पैसे को जितने समय अपने पास रखेगी उसके बदले में इनको कुछ कुछ इंटरेस्ट भी देगी उन पैसों के ऊपर तो वही जो इंटरेस्ट है उसे क्या बोल देते हैं रिवर्स रेपो रेट आई थिंक एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है समझ में आ गया होगा ठीक है क्लियर है बात कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है बढ़े आगे चलिए इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं आप ये देखिए ठीक है अब इसको सुनिएगा कि इंडिकेटर्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अभी देखो आपने पढ़ा कि रेपो रेट जो है वो कितनी परसेंट रखी गई है कॉन्स्टेंट फोर परसेंट ठीक है तो आपने ये नहीं सोचा क्या कि, कि सिर्फ रेपो रेट तो डिसाइड नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो तो बहुत सारी चीजें बताती है रिवर्स रेपो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बैंक रेट एस एल आर सी ए, सी आर आर सी आर आर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो एस एल आर की होती है स्टेटरी लिक्विड रेशियो है ना एस एल आर की यही होती है लिक्विडिटी रेशियोज को देख लेना एक बार एस एल आर को अब बात सुनना मेरी आप ये सब क्या है ये आप लोग पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि रेपो रेट क्यों बता दिया जाता है बस क्योंकि रेपो रेट से आप हर चीज का अंदाजा लगा सकते हो हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेपो, रेपो रेट माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट होगी ठीक है क्लियर हुई बात मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो रेपो, रेपो रेट प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट होगी ठीक है बैंक रेट भी आपकी क्या होगी रेपो रेट प्लस कर रखी है जल्दी से बस समझ लो छोटे से एस और आर क्या होता है सी के अंदर ये होता है कि बैंकों को ये कहा जाता है कि देखो तुम मार्केट में लोन दे रहे हो या तुम पैसा दे रहे हो तो कल को तुम डिफॉल्ट ना करो इसी के लिए तुम अपने जितना आपके पास पैसा है बैंकों के पास उसका कुछ परसेंट पैसा आरबीआई को जमा करके रखो और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसे क्या बोलते हैं कैश रिजर्व परसेंट है? है यहां पे बैंकों को बाध्य किया जाता है कि आप आपके पास लोन वोन देने के अलावा भी इतना रिजर्व रखो कि आपके पास कुछ कैश हो गोल्ड हो और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हो बाकी आप डिटेल में आगे पढ़ोगे जब भी इकोनॉमिक्स में चीजों को पढ़ने की कोशिश करोगे ठीक है बढ़े आगे गाइस क्लियर है समझ में आ गया वेल well डन कोरेगांव एनआईआई फाइल्स चार्जशीट अब इस आर्टिकल को देखते हैं बहुत अच्छा आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है काफी बार फिल्म में क्वेश्चन बनने की संभावना है मेंस में भी इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं है ना चलिए यहां पे क्या न्यूज क्या है न्यूज तो बस इतनी है कि कुछ लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई है इन द भीमा कोरेगांव इंसिडेंट ये है क्या आप अपने सिलेबस के इस टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हो ठीक है अब इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं आई होप आप लोगों को समझ में भी आ जाए पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की लिंक है अन अकेडमी मानवेंद्र ठीक है ऐसे आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके तो आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी चलिए चलिए बढ़ते हैं इसको समझते हैं यार जो अपना आर्टिकल है साफ भी नहीं हो रहा भाई है चलो कोई नहीं ठीक है देखो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या है ये हम समझने के लिए पढ़ते हैं आगे देखो भीमा कोरेगांव एक इंसिडेंट था जो कि फर्स्ट जनवरी 1818 को हुआ था कब हुआ था गाइस जनवरी फर्स्ट एटीन एटीन इसमें क्या हुआ था गाइज आपका भीमा कोरेगा कोरे समझने की कोशिश करते हैं आपको अच्छा लगेगा समझने के बाद भीमा कोरेगा मामला क्या था कि देखो महाराष्ट्र के अंदर एक कम्युनिटी रहती थी जिसका नाम था महार्स क्या रहता था महारे वहां की दलित कम्युनिटी थी

हमारे देश में ये किया था कि दलित कम्युनिटी के को अपने सूल मतलब जो अपनी से, सेना होती थी उसमें भर्ती करते थे और इन्होंने महाराष्ट्र में भी वही चीज करा था तो महाराष्ट्र में दलित कम्युनिटी के महार्स कम्युनिटी के लोगों ने ब्रिटिशर्स की आर्मी ज्वाइन कर रखी थी फाइट हुआ बिटवीन मराठास एंड आपके ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स की तरफ से जो युद्ध करने वाली जो सेना थी उसमें सेवेंटी परसेंट के आसपास उस एरिया में आपके माह कम्युनिटी के लोग ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे फाइट हुई फाइट जीत कौन गया आपके ब्रिटिशर्स ठीक है जो मराठास थे वो युद्ध हार गए थे जो युद्ध हार गए इसको लेकिन देखा ऐसा जाने लगा इसको एक और तरीके अगेंस्ट पेशवास ये लोअर कम्युनिटी की जीत है अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ द अपर कम्युनिटी समझ में आई बात उसके बाद से फर्स्ट जनवरी को हर साल जो है आपका एनिवर्सरी मनाते हैं अभी देखो 2020 में भी एक एनिवर्सरी मनाई गई थी कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से टू जीरो कौन से नंबर की ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई होगी ठीक है तो हर साल यहाँ पे एनिवर्सरी मनाई जाती है और वहां पे एक विजय स्तंभ बनाया गया है भीमा गोरेगांव में जिसके ऊपर उन सैन्य उन कम्युनिटी के लोगों का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने उस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी इसको लेकिन लोग दो तरीके से देखते हैं एक लोग जो हैं कुछ लोग जो हैं वो उसको ऐसे देखते हैं कि लोअर कम्युनिटी की जीत थी अगेंस्ट द अपर कम्युनिटी सप्रेशन ऑफ द अपर कम्युनिटी और कुछ लोगों का यह मानना है कि भाई वो लोग लड़ किसके तरफ से रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे तो ये जीत किसकी है ये ब्रिटिशर्स की जीत है इंडियंस के अगेंस्ट में और आप इसको हर बार सेलिब्रेट क्यों करते हो अब मामला क्या है ये तो बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी है इसमें एक चीज और ध्यान रखना नाइनटीन जनवरी फर्स्ट में अंबेडकर साहब भी विजिट करने गए थे इस विजय स्तंभ को यह बात ध्यान रखना 1927 फर्स्ट जनवरी अंबेडकर साहब भी इस स्तंभ को विजिट करने के लिए गए थे ठीक है अब बात करते हैं ये तो चलो ये पर्सपेक्टिव हो गया अभी ये न्यूज में क्यों आता रहता है देखो 2018 में इसी एनिवर्सरी वाले दिन वहां पे कुछ वॉयलेंस हो गया था जिसमें अः काफी लोगों को चोट लग गई थी आई थिंक एक, एक एक दो लोग आ, की डेथ भी हो गई थी तो उसके बाद से ही वो केस चला आ रहा है और उसमें बहुत सारे लोगों का नाम निकलता है और समय समय पर उनके अगेस्ट में चार्जशीट जो है वो फाइल होती है तो ये उसी से रिलेटेड है बाकी मैंने पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे लिख दिया है पर मैंने आपको जो समझाया है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो जिनको लैंग्वेज चाहिए होगी वो यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है इसको दलित सिंबल क्यों मानते हैं तो मैंने बताया महार दलित थे इनको सप्रेस किया जाता था तो इन्होंने यहाँ पे जीत लिया अगेंस्ट द मराठास जो कि ब्राह्मीस थे जो कि अपर कम्युनिटी थी तो इसलिए इसको उस तरीके से देखा जाने लगा ठीक है क्लियर हुई बात समझ में आया कोई दिक्कत वेल डन ठीक है अगर आपसे अगर यूपीएससी का भी में पूछ ले कि बी आर अम्बेडकर साहब का किस साल में गए थे तो ध्यान रखना फर्स्ट जनवरी 1927 ठीक है वैसे तो फैक्ट बेस ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है और क्लास की टाइमिंग है 6:30 थर्टी एम ये क्लास डेली 6:30 थर्टी एम पे होती है ठीक है जितने भी मेरे दोस्त पहली बार आए हैं उनके लिए कि ये क्लास जो है हर बार सिक्स थर्टी एम पे डेली होती है बढ़ते हैं आगे देखो फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ है कि भारत के अंदर अभी जो है करीबन तीन एनिमल्स की नई स्पीसीज और एक सौ अस्सी प्लांट की नई स्पीसीज फाउंड हुई है तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं ये मैंने आपके लिए डाल दिया है तो जब पीडीएफ आप डाउनलोड करो मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक पता है कमेंट सेक्शन में लिख दे कल से मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा तो आपको देखने में भी लग जाएगा तो वो इसको पढ़ लेना ठीक है बहुत सारे नाम है तो ऐसे मुझे बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो आप इसको एक बार पढ़ लेना रीडिंग ले लेना इसकी ठीक है इसके बाद देखो क्या है? NRI Quota in Professional and Technical Courses, Not Sacrosanct. ये भी देखो की थी मैंने में बताना भूल गया था। हैल्सो इंपॉर्टेंट क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया है कि प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो एनआरआई कोटा रखे एनआरआई कोटा मतलब नॉन रिटर्निंग इंडियन वाले जो लोग होते हैं जो भारत में, भारत में में से चले जाते हैं, की की डेफिनेशन क्या बताना, किसको कितने महीने के बाद आप है अगर उनकी मर्जी है तो वो दें उनकी मर्जी है तो वो नहीं दें तो पे सुप्रीम कोर्ट का आया है, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं दिल्ली कैबिनेट गिव्स नोट फॉर टी ट्रांसपोर्ट ट्री ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी ये क्या है देखना ध्यान से सुनना ये एक एरिया है क्या है गाइज़ ये ये एक एरिया है यहां पे पांच पेड़ लगे हुए हैं ठीक है अब इस एरिया में क्या करना है सरकार को डेवलपमेंट करना है तो सरकार अब क्या करेगी कि इन पौधों को निकाल के यहां से दूसरे जगह पे लगा देगी इसे ही क्या बोलते हैं ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी ठीक है प्लांटेशन होगा ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी ठीक है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी इसमें क्या होगा कि भैया तुम्हें किसी जगह पे डेवलपमेंट करना है तो जो पेड़ पौधे वहां पे लगे हुए हैं पहले क्या करते थे लोग वहां से काटे कहीं और जंगल उगा देते थे फिर से नया कोशिश करते थे अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं ये इन्होंने कहा है भैया इसी को निकाल के दूसरी जगह पे लगाओ तभी तुम वहां पे डेवलपमेंट कर पाओगे तो इसमें देखो ये कह रहे हैं करीबन 80 परसेंट जैसे मान लो इन्होंने ये कहा है कि जैसे 80 परसेंट के आसपास जो डेवलपमेंट एरिया है वो इसके अंडर में आएगा और उस एरियाज में से भी ये कम से कम 18 परसेंट एट्टी परसेंट पौधों पौधो को बचा लेंगे ये इनका यहाँ पे मानना है ठीक है इसके लिए इन्होंने देखो कहा है कि हम एक डेडिकेटेड ट्री ट्रांसप्लांटेशन सेल भी बनाएंगे जो सी बी पे देखेगी निगरानी करेगी कि ये काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वैसे देखो दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले एक और चीज न्यूज में थी वो थी क्या स्मोक टावर्स जिसको याद नहीं आ रहा मैं याद दिला दूं आईआईटी बॉम्बे को फटकार लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई तुम्हें काम कर क्यों नहीं रहो तुमको हमने काम कहा था करने को स्मोक टावर लगाने की बात करी गई थी आईआईटी बॉम्बे की मदद से दिल्ली के अंदर तो अभी दो जगह डिसाइड हो चुकी है एक है आनंद विहार जहां पे बस अड्डा है बहुत बड़ा भीड़ होती है और दूसरा आपका है कन्नॉट प्लेस ठीक है स्मोक टावर क्या होते हैं तो देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि चिमनी होती है ना उस टाइप का और इसमें फिर जाली लगी रहती है जो हवा को इधर से पास करता है इधर क्लीन करके निकाल देता है ये कॉन्सेप्ट जो है वैसे चाइना से आया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्मोक टावर जो है वो चाइना में ही लगा हुआ है ठीक है क्लियर हुई बात बढ़े आगे चलो बढ़ जाते हैं बिल्कुल जापान में भी होती है वेल डन अरे भाई मैंने एनआरआई की फुल फॉर्म मजाक में बोली थी नॉन रिटर्निंग इंडियन है ना ऐसे लोग बोलते हैं समझ रहे हो

बनियन ट्री को आपका नेशनल ट्री बता रखा है मैंगो को नेशनल फ्रूट बता रखा है ठीक है हॉकी को नेशनल गेम बना रखा है सही है क्या स्टेटमेंट इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है जल्दी बताओ चलो फिर आ जाते हैं इसके ऊपर तो इसी के चलते हुए इसमें तीन आपकी बटरफ्लाइज को वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं जिसमें आपकी सबसे पहले इंडियन जेजबेल दूसरी है कृष्णा पिकॉक और तीसरी है ऑरेंज ऑकलिव और यह है ऑरेंज ऑकलिव यह है कृष्णा पिकॉक और ये है आपकी इंडियन जेजी बेड अब होगा क्या ये तीनों नाम सौंप दिए गए किसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को अब वो डिसाइड करेगी कि इसमें से किसको चुना जाएगा क्लियर हुई बात वेल well डन जितने भी दोस्तों ने मेरे लिखा है कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी गाइस आप लोग का आंसर गलत है इंडिया डू नॉट गेम भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है

तो हम उस समय ब्रेक लेंगे अदरवाइज हम हर संडे यहां पे सिक्स थर्टी एम पे क्लास को कंटिन्यू रखेंगे ठीक है इसके बाद देखो ये फार्मर्स वाले बिल से रिलेटेड फिर से दो न्यूज हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी कर लें चलो वैसे देखो मैंने आपको फार्म बिल पढ़ा दिया है और आई डोंट थिंक कि या फ्रॉम कल से फ्रॉम दिस संडे ओनली अब बात करते हैं देखो फार्म बिल के बारे में मैंने इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तीन बिल आए थे है ना दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करता है तीसरा वाला इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने की बात करता है जिससे कि लोग फूड स्टोरेज कर सकें पहला वाला कहता है कि भैया आप एपीएमसी पी में भी बेचो और इसके बाहर भी चाहो तो बेच सकते हो लेकिन किसानों को भ्रमित किया जा रहा है बाय डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिशियंस बाय डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस कि भैया आपके साथ ये गलत हो रहा है अब ये देखिए ये क्या आया है कि भैया आपके जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं किससे ट्रैक्टर से ठीक है तो ये इनका एक तरीका है सपोर्ट दिखाने का को को किसको किसान को. कल बहुत अच्छे अच्छे जवाब आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में दिए थे किस तरीके से किसानों को गाइड किया जा सकता है कि जो ये बिल था जैसे बिल में क्या दिक्कत हुई थी हमने डिस्कस किया था कि बिल को बहुत जल्दी लेके आ गई सरकार सरकार को पहले किसानों से बातचीत करनी थी एक दोस्त है क्या नाम था प्रमोद नाम है शायद उनका जो नीचे जिनका नाम लिखा हुआ था कमेंट में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को अपने अंडर में लेना चाहिए था उनसे पहले बात करनी चाहिए तो स्पेशली उन स्टेट्स को जहां पर उनकी सरकारें नहीं है जिससे कि एक तो उनको लेफ्ट आउट ना फील होता पहली चीज दूसरा कि पहले अगर आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लेते तो क्या पता सिचुएशन इस तरीके से खराब नहीं होती एक चीज और सजेस्ट करी गई थी जैसे मैं एक क्वेश्चन मेरा आपसे इसके ऊपर यही है कि भैया अगर स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट ना करे तो क्या देखो यार सरकार सबसे ज्यादा फायदा किसका ले सकती थी आपका और आपके जैसे और फ्यूचर जो निकल चुके हैं आईएएस आईपीएस बन चुके हैं वो लोगों का सरकार यूज कर सकती थी आई जितने भी हैं उनसे कह सकती थी कि आप अपने लोकल लोकल डिस्ट्रिक्ट में जाओ और किसानों को गाइड करो आई जो है फिर वो और लोकल लेवल पे अपने जो उनके नुमाइंदे होते हैं उनको कह सकती थी कि आप ये काम करो देखो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया मतलब मेडिकल वाला छोड़ दो इसके अलावा लोगों को जागरूक करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और गाँव के भी घर तक बात पहुंच चुकी है कि मास्क पहनना जरूरी है वो अलग बात है कि वो लोग खुद से मास्क ना पहने बट यही चीज अगर इस बिल में भी कर दी जाती तो एक अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट देखा जाता हमने कुछ समस्याएं डिस्कस करी थी किसानों को क्या दिक्कत थी एक हमने देखा था कि एपीएमसी एम मंडीज जो है वो क्या हो जाएंगी इ हो जाएंगी जिनको ये नहीं पता है क्या है तो आज से दो दिन पहले का सेशन जो है वो उठा के पढ़ लेना उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया इसे एपीएमसी मंडीज इ हो जाएंगी ठीक है एक यहां पे पॉइंट आया था क्या एक पॉइंट ये आया था कि भैया एमएसपी चला जाएगा अगर एपीएमसी मंडीजिवेंट हो जाएंगी एक फिर बिहार का एग्जाम्पल आया था कि बिहार में भैया ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी हिमांशु ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन गलत है इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है ठीक है इसके बाद देखो नोबल पीस प्राइस डिसाइड हो गया है किसको मिलेगा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहां पे क्या मिला है पीस प्राइज, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है आपका ये आपका एक रोम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इनका ऐसा कहना है कि ये करीबन नाइनटी सेवन मिलियन पीपल को एट कंट्रीज में हर साल खाना जो है वो पहुंचाते हैं और इन्हीं का ये आंकड़ा है कि पूरे वर्ल्ड में नौ में से हर एक आदमी जो है वो भूखा सो रहा है तो उन्हीं को यहाँ पे क्या मिला है नोबल पीस प्राइज ठीक है देखो इन्होंने बहुत बार ऐसा किया है कि जहां जहां पे कभी प्रॉब्लम्स होती थी वहां पे इस तरीके से फूड पैकेट्स को ड्रॉप किया जाता था और लोगों तक खाना पहुंचाया जाता था तो ये एक अच्छी संस्थान है और वर्ल्ड में हंगर को कॉम्बेट करने के लिए फाइट कर रही है और इनको मिल गया है नोबल पीस प्राइज एक देखो इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है वो है किर्गिस्तान के अंदर ठीक है किर्गिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं जेनी पिकोव इनको जो है लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं देखो किर्गिस्तान की बात करें तो अभी साथ ही में और भी चीज देख लो पीडीएफ में बता दूंगा अभी कहां से मिलेगा पहले इसको देखो अभी यही चीज कुछ दिन पहले हुई थी बोलोविया में याद होगा अभी ये वर्ल्ड में बहुत देखने को मिल रहा है ये बेलारूस में भी देखने को मिला और ये तीसरी आपकी कंट्री हो गई कौन सी किर्गिस्तान ठीक है तीनों में एक ही चीज हुई थी वो क्या हुई थी रिगिंग इन द इलेक्शन तीनों ही जगहों पे इलेक्शन में धांधली हुई थी जिससे जो जनता है वो नाखुश थी और उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था यहां पे किर्गिस्तान के अंदर लास्ट वीक इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं खत्म हुए हैं और रिजल्ट में विनर आपके आ गए कौन प्रेसिडेंट जेनिबिको ठीक है और इसके चलते हुए यहाँ पे प्रोटेस्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि जो इलेक्शन था वो रिग्ड था अपोजिशन ऐसा कह रही है इलेक्शन जो है वो रिग्ड था और जिसके वो चलते हुए बहुत ले, बड़े मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है ठीक है तो ये यहाँ पे किर्जिस्तान की न्यूज है बेलारूस का भी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था और बोलविया में जो इवो मुरालिस् थे उनके ऊपर चार्ज लगे थे कि उन्होंने रिगिंग इन द इलेक्शन किया था फिर वो भाग गए थे कहाँ पे मेक्सिको जाके उन्होंने ले लिया था तो ये बोलविया की बात है ठीक है तो ये था ये आर्टिकल आई होप आपको क्लियर होगा कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था चलो उस पर आते हैं टिकटॉक को बैन कर दिया गया है पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमारे लिए काम का नहीं है बट मैंने डाल दिया ठीक है कल देखो एक दोस्त ने कमेंट किया था मैंने बाद में वीडियो के देखा मैं तो कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के तो आप लोग भी कमेंट जरूर किया करिए आपको जो भी फीडबैक रहे जो भी बात रहे तो एक दोस्त ने कमेंट किया कि सर न्यूज़पेपर इतना बड़ा रहता है लेकिन हम मुश्किल से 10-12 न्यूज क्यों कवर करते हैं तो आप कोई भी यूपीएससी के एनालिसिस उठा लेना चाहे कोई भी टीचर करता हो वो मैक्सिमम सात आठ नौ न्यूज ज्यादा नहीं करते हैं कारण क्या है बताता हूँ न्यूज़ तो ये भी आती है कि भैया फलाने की पत्नी फलाने की पत्नी में लड़ाई हो गया सास बहू लड़ गई दो लड़के लड़ गए है ना उसने उसके घर में चोरी कर ली है ना रिया चक्रवर्ती ने ये किया तो न्यूज़ में तो बहुत कुछ आता है हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो और आपको यहाँ पे हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो वैसे टिकटॉक वाला देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इसको मैंने इसलिए लूट किया क्योंकि इंडिया में भी बैन है तो एक बार ठीक है पाकिस्तान में बैन कर दिया समझ रहे हो तो यहां पे हम सिर्फ वही न्यूज पढ़ते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमें फलाना धमकाना नहीं पढ़ना है कि अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी को क्या बोला राहुल गांधी जी को धक्का लगा था कि नहीं लगा था क्या राहुल गांधी सच्ची में नीचे गिर गए थे कि नहीं गिरे थे समझ रहे हो ये सब अपने काम का नहीं है अब बात करते हैं इस न्यूज की कल ही देखो मैंने आपको बताया था कि चाइना की एक हाई पावर कमीशन जो है वो श्रीलंका विजिट पे जा रही है और श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी क्लोज होती थी एक जमाने में अंडर गोटाबाई राजपक्षा जब ये सरकार में थे पहले चाइना के और अभी इन्होंने एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिया है वो ये दिया है एक्सपेक्ट चाइना स्टाइल डेवलपमेंट इन श्रीलंका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं ये बात सिंबॉलिक करी है पूरे वर्ल्ड के सामने कि ये अभी भी किसके साथ रहेंगे ज्यादा चाइना के जो कि किसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है अपने प्यारे भारत के लिए वैसे इन्हीं के अंडर में जो हबन टोटा पोर्ट था वो चाइना ने लीज पे ले लिया था निन्यानवे साल के लिए और वो यही इंसान है जिनके अंडर ये हुआ था बट स्टिल इनको ये बात समझ में नहीं आई है और अभी भी ये आपके जो है चाइना के तरफ क्लोजनेस जो है वो दिखा रहे हैं ठीक है थीके? क्लियर हुई बात समझ में आया कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है तो अगर आपने अभी तक अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ट्वेल्व मंथ का कोर्स फोर्टी फोर के यहाँ पर थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का पड़ेगा आफ्टर यूजिंग माई कोड टू ईर्यस का कोर्स सिक्सटी फोर थाउजेंड मेरा कोड यूज़ करेंगे फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का पड़ जाएगा तो डोंट वेस्ट योर टाइम जाइए आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए नए बैच शुरू होने वाले हैं जाइए इन्जॉय करिए पढ़िए एंड अपने गोल को अचीव करिए आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं जल्दी से रिवाइज करना जरूरी है देखो हमने फ्रंट पेज उठाया फ्रंट पेज से हमने शुरुआत किया था आरबीआई फॉरकास्ट ठीक है तो हमने यहाँ पर रेपो रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट क्या है आर नेफ्ट आईएमपीएस सब कुछ देखा ठीक है इसके बाद हमने गए भीमा कोरेगांव इंसिडेंट के बारे में पूरा पढ़ा फिर हमने ये पढ़ा कि नई प्रजातियां जो फाइंड हुई हैं इंडिया के अंदर फिर हमने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुना एन आर आई कोटास के ऊपर है ना ये नीचे क्या था दिल्ली में ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के बारे में देखा फिर हमने ये देखा कि तीन बटरफ्लाइज के बीच को चुना गया है मतलब बहुत सारी बटरफ्लाइज में से तीन बटरफ्लाइज को इंडियंस ने चुना है अब तीनों में से एक को भारत की नेशनल बटरफ्लाई का टैग मिलेगा फिर हमने फार्म बिल का रिवीजन किया फिर हमने नोबल पीस प्राइज किसको मिला ये देखा और फिर हमने यहाँ पे देखा कि रिजिस्तान में अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है साथ ही साथ हमने बोलविया एंड बेलारूस को भी याद कर लिया इधर हमने चाइना इंडिया श्रीलंका में जो चल रहा है कल से रिलेट करके पढ़ा और यहाँ पे हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है ठीक है तो ये सारे कारण हैं ये सारी चीजें हैं जो आज हमने पढ़ी अब आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कोई भी समस्या है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं हाँ पोट नाम है मोहित राजपूत आप जो सीपी में अंडरग्राउंड मार्केट बोल रहे हैं वो दूसरी चीज है उसे आ, कुछ बोलते हुए नाम दे राजीव चौक है वो राजीव चौक मेट्रो के बगल में वो आता सीपी में ठीक है बट सीपी उसके अलावा भी है सीपी आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आप सीपी मार्केट देखेंगे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है सबसे कॉस्टली मार्केट है जहां पे एक एक दुकान का रेंट दो दो ढाई लाख रुपए होता है वो ऊपर ही है और वहां की यहां बात हो रही है ठीक है थैंक यू सो मच शशि सर कैसे मोहित बता दिया मैंने राज फोर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी ऐसे फोर्टीन के बाद अगर कोई नहीं देता है तो फिर पेनल्टी लगती है सुशील आई विल ट्राई बट आप सोचो ना कि देखो तीन साढ़े तीन बजे उठ के इतना ही बनाना बहुत मेहनत हो जाता है तो मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं उसे कंटिन्यू कर पाऊँ कोई भी चीज तभी करनी चाहिए जब आप कंटिन्यू कर पाओ एडिटोरियल मैं करूंगा मैंने बोला कि जब छः हजार लोग डेली देखने लग जाएंगे अपने सेशंस को आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड एडिटोरियल्स वैसे एडिटोरियल्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस हो रहे हैं अभी आठ बजे एक मैम करती हैं देन फिर सौरभ सर करते हैं तो आप देख सकते हैं उनका ठीक है थैंक यू सो मच आरती मोहित आई ऑल्सो यूज टू लिव इन दिल्ली तो मैं आपको बता रहा हूँ वो जो आप बोल रहे हो वो तो वो है पालिका मार्केट जो अंडरग्राउंड है ना हम कनॉट प्लेस की बात कर रहे हैं जिसमें गोल गोल सर्कल में सारी दुकान है थैंक यू सो मच शशि थैंक यू सो मच मांस लुक्तर ताबा कह रहे हैं क्या फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद से रिलाई अफेक्ट होगा इंडिया श्रीलंका फॉरन रिलेशन में अरे लुक्तर ये गोटा भाई ब्रदर्स तो आ गए ना शासन में कहा कब की पढ़ाई करके बैठे हुए हो मेरे भाई देखो नॉलेज करो थैंक यू सो मच जेड एक्स आरआर में पार को लोन और क्रेडिट है मतलब समझा नहीं विशाल क्वेश्चन आपका थैंक यू सो मच राज राजुतुजा क्वेश्चन पूछा था राज ने कि कितने समय तक के लिए रेपो रेट को दे सकते हैं बस सो जाता हूँ भाई कभी कभी है ना अगर संडे में पौने सात तक भी हो जाए या कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाए तो वेट कर लेना है ना क्योंकि कोशिश रहेगी मेरे उठने की कल भी बट अब ठीक है एक दिन मिलता था पर कल किसी ने लिखा तो मैंने को कहा कि चलो ठीक है वैसे संडे में कोई खास न्यूज रहती नहीं है पर आप लोगों को अब टाइम पास करना है तो मैं कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है है ना द हिंदू न्यूज़पेपर संडे में कुछ नहीं आता है खास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यार डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन एन एकेडमी जस्ट सर्च मानवे ट्वेंटी एट फॉलो करिए वहां पे मेरी ऑलरेडी थर्टीन से फोर्टीन क्लासेस पॉलिटी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हैं आप जाइए उसको पढ़ सकते हैं आप उससे नॉलेज अवेल कर सकते हैं है ना कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो जल्दी जल्दी पूछिए थ्री फोर मिनट्स और हैं आपके पास थैंक यू सो मच शेख नसीम उन् विशाल आपका क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे से लिखिए मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ आर 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 क्या है मेरे भाई रिवर्स रेपो रेट में पार की सेम टर्म एज लोन और क्रेडिट सेम है अब बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा विशाल भाई सर ऑडिटोरियल शुरू कर दो अरे मोहित मेरे भाई ये बहुत लोग पढ़ा रहे हैं एडिटोरियल पढ़ लेना यार रहे ना का परेशान कर रहे हो थैंक यू सर फॉर डेडिकेशन फॉर्म डेली न्यूज नो प्रॉब्लम सर नोट्स कैसे बनाए नोट्स देखो कुछ मत बनाओ जो एक्स्ट्रा चीजें मैं लिख देता हूँ ना उनको आप नोट कर लो जैसे कि कल टीआरपी आया था तो मैंने आपको टी आर पी एक्सप्लेन किया था बारह एक्सप्लेन किया था तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो है ना यहाँ पे ये वर्ड शॉर्ट में नोट कर सकते हो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जैसे भीमा कोरेगांव में आप ये मत न्यूज़ में क्या है ये मत नोट करना ये डाल देना हेडिंग उसके बाद ये पूरा नोट कर लेना आपको याद रहेगा ठीक है इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है आप ये नोट कर सकते हो ये आपको हमेशा काम में आने वाले इकोनॉमिक्स में भी काम आने वाले करंट अफेयर्स में भी काम में आने वाले हैं देखो हमारे साथ ऐसा होता नहीं है कि इकोनॉमिक्स के जब करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है वहीं पॉलिटी के आ जाते हैं या फिर हिस्ट्री के आ जाते हैं तुरंत समझ जाते हैं वो कारण क्या होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो बेसिक टर्म्स हैं जब तक हम उनको नहीं समझेंगे तब तक हमें करंट अफेयर उससे रिलेटेड समझ में नहीं आएगा तो ये समस्या जो है वो बनी रहती है बट कोई बात नहीं वो अगर आप इकोनॉमिक्स पर जब धीरे धीरे कमांड बनाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ठीक है आई एम पी एस इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस चलो एक क्वेश्चन है जाते जाते क्वेश्चन का जवाब देना ठीक है आई एम पी एस को रेगुलेट कौन सी अथॉरिटी करती है यस yes, राज प्रताप सिंह आई एम फ्रॉम लखनऊ सोमित्रा इज सेंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज का भी जिक्र नहीं है सो वी डू नॉट है नेशनल लैंग्वेज कोई है क्या अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना एनसीपीआई नहीं भाई एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेल डन ठीक है अमरीन नहीं है यार कर, आप ये क्वेश्चन बार बार क्यों आप लोग पूछते हो मैंने कल बताया था ना पॉलिटिक क्लास नहीं है मंडे टू फ्राइडे रहती है साढ़े सात बजे कल क्लास में भी डिस्कस किया था वही चीज़ क्या करना है कोई नहीं अमरीन आप ध्यान रखना आप ठीक है एन बिल्कुल वेल डन वेल डन चलो लास्ट वन मिनट यार कोई भी डाउट हो कोई भी समस्या हो ले लो पूछ लो फिर हम सेशन को खत्म करते हैं ठीक है ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और वीडियो को अपने दो से तीन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना हंसते रहना मुस्कुराते रहना पढ़ाई करना अपने अपने परिवार का इस कोविड में ध्यान रखना एंड सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेटेड रहो ना रहो डिसिप्लिन रहना टेक केयर जय हिंद सी यू टोमोरोट सिक्स थर्टी एम मिलते हैं कल बाय जय हिंद जय भारत